हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 खत्म हो चुका है, तो थर्ड करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। एक सदस्य परेड है जिसमें 616 सदस्य है, उसमें एक सेना आर्मी है जिसकी टुकड़ी, एक सेना सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्य है, उसमें एक आर्मी बैंड के पीछे परेड करना है। दोनों समूहों को एक को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, इसका एक्सेप्ट निकालते हैं। इसका किसका 616 और 32 का एचसीएफ, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं, निकालते देखते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले 32 में 616 से डिवाइड करके देख लेते हैं 30 में क्या आ रहा है। तो 32 में 616 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 32 जी जा 1 बार में 32, उसके बाद 2896। उसका फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसके 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 288। तो हमारा माइनस करने पे क्या आता है, आता है कितना 8। अब हमारा इतना आ गया, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 616, अब बी क्या है 32, क्यू क्या है 19, आर क्या है 8 8, ठीक। अब हम 8 में 32 से डिवाइड कर देते हैं तो एच सी एफ हमारा क्या आएगा 4, एच सी एफ हमारा आ रहा है। तो हम लोग इसमें 32 लिख देते हैं, उसके बाद आर लिख देते हैं 8 4 जा 8, उसके बाद 4, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो हमारा 616 और 32 सल टू 8 एच सी एफ, तो हमारा उत्तर क्या होगा 8।